अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टेक इंस्पिरेशन। भाई फाइनली हम काफी टाइम के बाद सैमसंग की डिवाइसेस को अपने चैनल के ऊपर कवर कर रहे हैं। बेसिकली सैमसंग ने ना रिसेंट टाइम में A35 और A55 को पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च किया है और ये स्मार्टफोन काफी इंटरेस्टिंग स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं। हमने इसको 30 मिनट तक पानी में रखा है और इनको ना काफी टाइम फेंका भी है, तो ये स्मार्टफोन सर्वाइव कर रहे हैं। अब बाकी देखते हैं कि सैमसंग के ये दोनों स्मार्टफोन हमें क्या क्या ऑफर करते हैं और लास्ट पे देखते हैं कि क्या ये दोनों स्मार्टफोन अपनी प्राइस टैग को जस्टिफाई करते हैं या नहीं करते। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आ गए हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें और गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लें और मेक श्योर बेल आइकन को लास्ट में प्रेस करना। सो बेसिकली ये दोनों स्मार्टफोन ही ना अपनी प्रीवियस जनरेशन से कुछ अपग्रेड लेकर आते हैं, उसको भी चेक करते हैं कि भाई क्या क्या अपग्रेड्स हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं भाई इन दोनों स्मार्टफोन के डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी और इन एंड फील वाली साइड के। A35 और A55 दोनों ही बेसिकली 4 डिफरेंट कलर में आते हैं जो कि डिस्प्ले के ऊपर आप देख रहे हैं। सो यहां पर A35 जो है ये बैक साइड ग्लास की है, फ्रंट कोनी गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस के साथ आता है और प्लास्टिक का फ्रेम है। ऑन दी अदर साइड A55 की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन मुझे काफी पसंद आया है। ये S24 सीरीज से थोड़ी सी ना सिमिलरिटी रखता है। बैक साइड के ऊपर इसके भी ग्लास की बैक है और यहाँ पर मेटल का फ्रेम है और फ्रंट साइड के ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की टेक्नोलॉजी है। बेसिकली इसे होता क्या कि आपका स्मार्टफोन जितनी मर्जी हाइट से गिर जाए ना, आपका स्मार्टफोन सर्वाइव कर जाता है। आज मैंने इतनी बार इस स्मार्टफोन को गिरा दिया ना, अगर टूटना हुआ तो इसने आज वीडियो के एंड तक टूट जाएगा। ओवरऑल स्मार्टफोन का डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी है और ये दोनों ही स्मार्टफोन IP67 वाटर रेटिंग के साथ आते हैं। अकॉर्डिंग टू सैमसंग ये स्मार्टफोन 30 मिनट तक 1 मीटर के गहराई के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं और इसको हमने टेस्ट भी किया है और ये स्मार्टफोन सर्वाइव कर रहे थे पानी में। इसको हमने 30 से भी ज़्यादा मिनट रखा है और ये दोनों स्मार्टफोन में सेम आपको देखने को मिलती है IP67, विच इज़ आई थिंक सो डिसेंट। डिस्प्ले वाली साइड पर आना तो भाई जैसा कि आपको पता है कि सैमसंग के जो डिस्प्ले है ना, ये कंपैरेटिवली बाकी स्मार्टफोन ब्रांड से अच्छे होते हैं। फ्रंट साइड के ऊपर दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 6.6 इंचेस के फुल एचडी प्लस वाले 120 हर्ट्ज सुपर एमोलेड डिस्प्लेज आपको देखने को मिल जाते हैं। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है जिसकी स्पीड काफी क्विक है। वाइड 1L1 की सपोर्ट भी है, यानी आप 4K प्लेटफॉर्म के ऊपर हाई रेजोल्यूशन में मीडिया कंज्यूम कर सकते हैं और दोनों ही स्मार्टफोन में 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। इसको मैंने आउटडोर भी यूज किया है तो लाइक आउटडोर में भी हार्श लाइट के नीचे भी इजीली आप इन दोनों स्मार्टफोन को यूज कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन के ऊपर मैंने काफी ज्यादा मीडिया कंज्यूम किया है, ओवरऑल जो मीडिया कंजप्शन एक्सपीरियंस है ना वो काफी अच्छा निकल गया है। जस्ट यहाँ पर जो चीन्स है ना ये मुझे स्लाइटली थिक लगी है। मल्टी मीडिया एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो भाई हम साउंड एक्सपीरियंस को कैसे भूल सकते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन आते हैं डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ, ओवरऑल जो साउंड एक्सपीरियंस है ना वो काफी अच्छा निकल गया है। सैमसंग के फोन में ना जो सबसे मजे की चीज मुझे लगती है ना और मोस्टली लोगों को भी लगती है वो है इसका सॉफ्टवेयर और इसकी डेट्स। बेसिकली ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉइड 14 के साथ और वन यूआई 6.1 है जो कि काफी क्लीन है और इसको यूज करने का जो एक्सपीरियंस है ना वो काफी अच्छा है एज कंपेयर टू इस प्राइस कैटेगरी में जो बाकी ब्रांड्स है ना उसके मुकाबले में इसका यूआई एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। और सबसे मजे की बात यह है कि भाई इसमें 4 साल की यूएस अपडेट्स है। लाइक ये स्मार्टफोन अगर एंड्रॉइड 14 के साथ आया है ना तो 15, 16, 17, 18 आपको देखने को मिलेगा और साथ में 5 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स भी हैं, तो 5 साल तक भाई आप इजीली स्मार्टफोन को यूज कर सकते हैं। कैमरा वाली साइड पर आए तो भाई दोनों ही स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का OIS वाला कैमरा और वीडियोग्राफी वाली साइड पर आपको VDS देखने को मिल जाता है। मीन के वीडियोग्राफी में भी आपको स्टेबिलाईजेशन देखने को मिलती है। A55 में बैक साइड के ऊपर ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है, S24 वाली शेप है। 50 मेगापिक्सल का आपका मेन सेंसर है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो है और फ्रंट साइड के ऊपर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। दूसरी साइड पर सैमसंग A35 में बैक साइड के ऊपर सेम ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 5 का मैक्रो सेंसर है और फ्रंट साइड के ऊपर 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। कुछ डिस्प्ले के ऊपर आप सैंपल शॉट देख रहे हैं। कुछ लिमिटेड टाइम के लिए हमने स्मार्टफोन को यूज किया और जो सैंपल शॉट इसे क्लिक किए हैं वो डिस्प्ले के ऊपर आप देख रहे हैं। बेसिकली OIS काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा था, मैंने कुछ ना शेकी फोटोज भी ली हैं, लाइक मैं हिल रहा था लेकिन जो OIS के थ्रू पिक्चर आई है ना वो काफी डिटेल्ड थी, कलर अच्छे निकल के आ रहे थे, डायनेमिक रेंज काफी अच्छी थी और सबसे मजे की जो चीज मुझे लगी है वो है वीडियोग्राफी में जो स्टेबलाइजेशन निकल के आई है ना दोनों स्मार्टफोन में वो काफी बेस्ट है। 4K तक आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। परफॉर्मेंस एंड गेमिंग परफॉर्मेंस वाली साइड पर आए तो भाई सैमसंग A55 में एक्सिनोस 4080 चिपसेट है जो कि 4 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है। रियल टाइम में मैंने इसको यूज किया है, परफॉर्मेंस डे टू डे वाली यूज में मुझे किसी किस्म का मसला नहीं आया, कोई लैग
वगैरह नहीं था। इसके ऊपर मैंने गेमिंग भी की है तो गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफी ठीक निकल के आया है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहेंगे तो इसका एक डिटेल्ड गेमिंग रिव्यू भी हम बना सकते हैं। सैमसंग A55 में ना बेसिकली 1.7x वाइडर वेपर चैम्बर भी है। सिंपल वर्डिंग में आपको बताता हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा पबजी खेलते हैं या बाकी गेम्स खेलते हैं ना, तो जो हीट डिस्चार्ज होती है ना इसके थ्रू वो ज़्यादा होगी तो हीट अप स्मार्टफोन आपका नहीं होगा। दूसरी साइड के ऊपर A35 में एक्सिनोस 3080 है, जो कि इसका छोटा भाई है, 5 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है। और इसके ऊपर भी जितना मैंने यूज़ किया है, नॉर्मल डे टू डे यूज़ वाली साइड पर मुझे मसला नहीं आया। लेकिन जैसे ये दोनों स्मार्टफोन हमारे पास आएंगे, हम इसका एक डिटेल्ड गेमिंग रिव्यू भी करेंगे दोनों स्मार्टफोन का कंबाइंड। अगर आप वो चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसके अलावा सैमसंग A55 में 8+8GB एक्सटेंडेड रैम है, 256GB स्टोरेज है, और सेम यहां पर 8+256GB स्टोरेज आपको A35 में भी देखने को मिल जाती है। बैटरी एंड चार्जिंग वाली साइड पर आए ना, तो भाई दोनों ही स्मार्टफोन में 25W की फास्ट चार्जिंग है। सैमसंग के बकौल ये 25W इनका फास्ट चार्जर है। मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ। बेसिकली मैं सैमसंग का एक फ्लैगशिप फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ और इसमें भी 25W की ही चार्जिंग है, तो सैमसंग के लिए 25 इज़ फ्लैगशिप। इन दोनों स्मार्टफोन में ना एक बड़े मज़े की चीज़ है जो कि मैंने सैमसंग के पहले किसी स्मार्टफोन में नहीं देखी, इवन तो मेरे पास जो फ्लैगशिप पड़ा उसमें भी नहीं है। ये बेसिकली एक वॉइस फोकस्ड इन्होंने टेक्नोलॉजी निकाली है। ये बेसिकली क्या करती है, रियल टाइम में अगर आप कॉल करते हैं ना शोर वाले एरिए में, तो ये नॉइस कैंसिलेशन के तौर पर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आप कॉल कर रहे हैं तो इर्द गिर्द 6-7 साउंड निकल के आ रहे हैं, कोई बाइक का साउंड आ रहा है, कोई कार का साउंड आ रहा है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो आपकी आवाज़ होगी आपका स्मार्टफोन सिर्फ उसी को फोकस करेगा और वही आवाज़ आपके माइक्रोफोन से अगले बंदे के स्पीकर में जाएगी, तो लाइक रियल टाइम में शोर काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, तो आपको कोई भी ANC वाले एयरफोन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो गाइस ये था मेरा कुछ इनिशियल एक्सपीरियंस सैमसंग A35 और A55 के साथ, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब मैंने बहुत कम टाइम के लिए इन दोनों स्मार्टफोन को यूज़ किया है। A35 पाकिस्तान में 1,15,000 के रिटेल प्राइस टैग में लॉन्च हुआ है, जबकि सैमसंग A55 1,31,000 के रिटेल प्राइस टैग में लॉन्च हुआ है। ऑफलाइन मार्केट में आपको डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगी। पूरी वीडियो अगर आपने देखी है तो भाई आपको सारी चीज़ें मैंने डिटेल से बता दी हैं, लाइक कौन से डिपार्टमेंट में स्मार्टफोन कैसा काम करता है। बाकी आप लोगों के क्या ओपिनियन है इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में, डेफिनेटली आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इन दोनों स्मार्टफोन की कौन सी वीडियो आपको चाहिए, लाइक कैमरा टेस्ट चाहिए, कंपैरिजन चाहिए, पबजी टेस्ट चाहिए, जो भी चाहिए आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।